हाय मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN24। हेलो मैं हूं विकी कौशल एंड प्लीज कीप वाचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कटघोरा में सामने आया दो पुलिस वालों का हैरान कर देने वाला नजारा। शराब के नशे में धुत मिले दोनों आरक्षक। समन्स तामील करने निकले थे, दोनों ही सिपाही कीचड़ में जा गिरे। पाली के मंगल भवन में संपन्न हुआ छत्तीसगढ़ जिला और जनपद के कर्मचारियों की प्रांतीय बैठक। कर्मचारी हितों पर की गई राय शुमारी। कोरिया के चिरमिरी में बड़ा हादसा। कोयला लेने गई महिला की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस जांच में जुटी। और भिलाई दुर्ग के बाद अब डेंगू ने जगदलपुर में भी पसारे अपने पैर। मरीजों की संख्या 5 से बढ़कर हुई 15। प्रशासन के दावे साबित हो रहे हैं खोखले। चंद्रनाहू चंद्र समाज का विशाल सम्मेलन 2 सितंबर को नगर पंचायत ढबरा के अघोर आश्रम के सामने आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार चंद्र समाज के सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में चंद्र समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा राजनीतिक और सामाजिक विषय पर विशेष चर्चा की गई। कहा गया कि चंद्र समाज की आबादी छत्तीसगढ़ के 7 विधानसभा क्षेत्र और 4 लोकसभा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकती है, किंतु आबादी के अनुसार इस समाज की राजनीतिक क्षेत्र में सम्मानजनक पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रहा है। चंद्र समाज लंबे अरसे से विभिन्न राजनीतिक दलों की उपेक्षा का शिकार रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए ही ढबरा में विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें चंद्र समाज के लोग भारी संख्या में भाग लिए। हम लोग आज का बैठक राजनीतिक एकता के लिए था। हम लोग चंद्र समाज 7 विधानसभा क्षेत्र को हम प्रभावित करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग पास 3 विधानसभा है, कोरबा का, चंद्रपुर का और जयपुर का। अगर कोई राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हम लोग को टिकट देता है तो उस प्रत्याशी को हम लोग सब एक साथ होकर, एकजुट होकर जिताने का प्रयास करेंगे और यही सब ने संकल्प किया है। एक केंद्रीय महासमिति की बैठक थी, उसमें हम सभी दल के लोग यहाँ पर आए हुए थे और इसमें यह चिंतन हुआ कि चंद्रा समाज की छत्तीसगढ़ में खास करके जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा में बड़ी आबादी है और आबादी के हिसाब से इस समाज को कोई राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं मिल रही है। इस विषय को लेकर के समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बीच में आज राजनीतिक चिंतन हुआ है। ग्राम पंचायत रजगामार का ओमपुर साप्ताहिक बाजार इन दिनों कीचड़ एवं गड्ढों में तब्दील हो गया है। जगह जगह पानी भरे हुए हैं, जिसके कारण सब्जी बेचने एवं खरीदने वाले लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बाजार में लोगों को चलने में भारी परेशानी हो रही है। किसी का पैर कीचड़ में फंस जा रहा है तो कई लोग फिसल कर गिर जा रहे हैं, जिससे खरीदी हुई सब्जी भी गिरने से खराब हो जाती है। वहीं लोग आहत भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता न तो ग्राम पंचायत रजगामार कर रही है और न ही SECL प्रबंधन, जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कोरबा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रजगामार है, जहां शासन द्वारा विकास के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है और विकास कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि भी स्वीकृत कर रही है, परंतु यहां ग्राम सरपंच, सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधि इस राशि को भ्रष्टाचार कर गबन करने में लगे हुए हैं। जरूरी कामों में नजरअंदाज किया जा रहा है और जिसमें व्यक्तिगत फायदा हो रहा है, ऐसे कार्यों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण आज यहाँ के ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ओमपुर बाजार का है। रजगामार के आश्रित मोहल्ला ओमपुर में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को सुबह बाजार लगता है, जो पिछले 35 वर्षों से लगते आ रहा है, परंतु यह बाजार आज भी उसी स्थिति में है जो 35 वर्ष पूर्व था। ना तो नाली की व्यवस्था है और ना ही सेठ है और ना ही पक्का चबूतरा और ना ही फर्शीकरण किया गया है, जिसके कारण हर साल बारिश में यहाँ कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण बाजार में चलना मुश्किल हो जाता है। सब्जी बेचने वालों को भी दुकान लगाने में भारी परेशानी होती है। चलने वाले में कैसा हो रहा है आप लोगों को? ये पहले से ऐसा है कि अभी भी हुआ है? नहीं, पहले से भी है। इस और
इस ओर पंचायत और ACCL कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आप क्या चाहते हैं इसको कैसे बनना चाहिए? बाजार सप्ताह का दो दिन का बाजार होता है और इसका स्थिति ऐसा है कि आदमी पैदल चल नहीं पा रहा है। जो सब्जी भाजी लेकर आए बेचारे लोग किसी के छाया में कहीं पर बैठे हुए, यहाँ इतना कीचड़ हुआ है कि आदमी चल नहीं पा रहा। क्या लगता है आपको उदासीनता किसकी लग रही है यहाँ पे, किसको ध्यान देना चाहिए? तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत है रजगमार, तो रजगमार का कार्यक्रम। दूसरा मैनेजमेंट की भी कमजोरी है क्योंकि यहाँ ओमपुर कॉलोनी है, कॉलोनी के सामने ऐसी है, तो दोनों को ध्यान देना चाहिए। अभी ये कैसा बनना चाहिए आपको बाजार? कंक्रीट होना चाहिए पूरे और छतदार बनना चाहिए। आज ओमपुर बाजार पूरी तरह से गड्ढों एवं दलदल कीचड़ में तब्दील हो गया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जहां पैदल चलना भी मुश्किल से कम नहीं है। वहीं पानी भरने से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां भी फैल रही है। लोग आक्रोशित हो चुके हैं। ओम बाजार चूंकि ACCL रजगामार के अंतर्गत आता है, परंतु ACCL भी जिम्मेदारी से दूर होकर यहाँ के कर्मचारियों के मूलभूत सुविधाओं का हनन कर रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग या ग्राम पंचायत रजगामार बाजार की समस्या को संज्ञान में लेती है या नहीं, और अगर लेती है तो किस तरह से इस समस्या को दूर करने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ के आसन्न चुनाव के मद्देनजर जहां पार्टी बदलने का दौर शुरू हो चला है, वहीं IAS एवं पूर्व IAS का राजनीति के प्रति रुझान भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विगत दिनों जहां युवा IAS OP चौधरी नौकरी से त्यागपत्र देकर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, वहीं पूर्व IAS राजपाल त्यागी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लंबे समय से कटघोरा विधानसभा की टिकट पर टकटकी लगाए बैठे श्री त्यागी का कांग्रेस प्रवेश के बाद कोरबा प्रथम आगमन हुआ। श्री त्यागी के कोरबा आगमन पर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुराने बस स्टैंड के पास युवा नेता सुनील जैन ने ढोल बाजी और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं युवा नेता गुलाम मोहम्मद ने पावर हाउस रोड के विकास कॉम्प्लेक्स में जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात श्री त्यागी सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष से विस्तृत चर्चा के बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। देखिए, अगर वो अगर प्रशासनिक अधिकारी राजनीति करेगा तो देखिए उसको पूरा अनुभव है। नंबर एक, उसको अपने दिमाग को जो है बिल्कुल स्वच्छ बनाना पड़ेगा। अगर मन में खोट है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होने का, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और मन अगर ठीक है, उसका दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प लेकर अगर वो आ रहा है कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये अगर हमारा राजनेता, जैसा आपने प्रश्न किया, वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ब्यूरोक्रेट घुमा सकता है, जैसे घुमा रहे हैं, उसको दिक्कत आती है काम करने में। दुनिया भर की फिर वो कमीशन वमीशन जांच इंक्वायरी बैठते हैं, ये हो गया, फाइल पर साइन ले लिए, वो ले लिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप बिल्कुल नहीं साइन करोगी, देख के करोगी आप। अखबारों के रिपोर्टिंग के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, DMF मद की राशि जो है, कभी आप लिखते हो बंदर बांट है, कभी कबूतर बांट है, इस टाइप के लिखते हो आप लोग। बंदर पढ़ा हमने, कटिंग्स हैं हमारे पास में, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। अगर ऐसा हो रहा है, हर किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए उसके ला बनते हैं, बाईलाज बनते हैं, नियम बनते हैं, उपनियम बनते हैं, उनका पालन हो स्ट्रिक्टली। अब मान लीजिए बताते हैं कि वो DMF फंड जो है इस काम में लोग खर्च ही नहीं कर सकते, उसी में कर दिया, इस प्रकार की शिकायतें, वो मनमानी दिखता है उसमें, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑफर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है कि ऑफर आएगा तो जाएंगे। मैंने बताया उसका प्रश्न पहले, मैंने विवेक के अनुसार काम किया। मेरा विवेक बोला कि कांग्रेस में जाओ, तो मैं कांग्रेस में चला गया। नारायणपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिले के DRG के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 2 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली रत्ती झारा की कमांडर थी, दूसरे नक्सली का नाम सोमड़ू है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर जितेंद्र शुक्ला ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि DRG के जवान सर्चिंग पर निकले थे। सर्चिंग के दौरान गुमिया बेड़ा के पास जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की।
छत्तीसगढ़ जिला व जनपद पंचायत कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक पाली जनपद के मंगल भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जिला और जनपद पंचायतों से आए पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करके की गई, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों का परिचय लोगों से कराया गया। तत्पश्चात संगीत के साथ शुरू हुई बैठक में कर्मचारियों के हितों को लेकर विचार मंथन किया गया। वेतन बढ़ोतरी, पदोन्नति, तबादला और दूसरे सभी विषयों पर संघ के लोगों ने राय शुमारी की। बैठक में प्रमुख तौर पर संघ के प्रांताध्यक्ष नंदलाल साहू, पूर्व प्रांताध्यक्ष मिर्जा इरशाद बेग, महासचिव बीआर साहू व उप प्रांत प्रमुख संतोष कुमार ने शिरकत की। इनके अलावा प्रदेश भर के जनपद के और जिला पंचायत के स्थानीय पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। आज प्रमुख रूप से हमारे छत्तीसगढ़ जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ की ओर से क्रांति सम्मेलन हम लोग रखे थे पाली में, और उसमें प्रमुख मुद्दा ये था कि हमारा जो संघ की एक ही मांग है, हमारा संविलियन, हमारे जो पदस्थ कर्मचारी हैं, जो लड़क हैं और रिक्त हैं, दो ही वर्ग ऐसे वर्ग जिनको छोड़ दिए शासन से हमारी विशेष रूप से आग्रह है कि हमारा संविलियन किया जाए और शासन के समान समस्त सुविधाएँ प्रदान की जाए, ये हमारा मांग है। यदि इनके द्वारा शासन के द्वारा किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया तो हम निश्चित रूप से भविष्य में आंदोलन के रूप रेखा तैयार करेंगे। बैठक में पूरा प्रदेश के लोग आए थे, करीब करीब आप खुद देख रहे हैं 300 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हमारे आए थे। आपको याद होगा कि बीते गर्मी के मौसम में पुलिस विभाग ने किस तरह से शराबियों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान छेड़ा था। पुलिस शराबियों को सड़कों पर ही नहीं बल्कि शराब दुकान के बाहर से उठा ले जाती थी। खेतों में दुकानों और ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी जहां के शराबियों में खाकी का दहशत न हो। कोरबा शहर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जब पुलिस शराब दुकानों के बाहर खड़े रहती थी और जैसे ही कोई शराबी जाम छलकाकर बाहर आता उसके मुंह में ब्रीथ एनालाइजर डाल दिया जाता था। बाद में आम लोगों के साथ ही आबकारी विभाग के विरोध की वजह से इस अभियान को शिथिल किया गया। बहरहाल हम आज जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वह उसी पुलिस विभाग के आरक्षक संतोष किंडो और विनोद सोनवानी की है, जिन पर सड़क सुरक्षा नियमों के 100% पालन करने का जिम्मा है। दरअसल कल दोपहर थाने से समन्स तामील करने निकले दो पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। दोनों जब अपना काम निपटाकर वापस लौट रहे थे तभी वह कसनिया नदी के पास खुद को संभाल नहीं सके और बाइक से नीचे गिर गए। दोनों आरक्षक इस कदर नशे में चूर थे कि वह अपनी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। बाद में इसकी सूचना टीआई को दी गई और फिर उन्हें वहां से किसी तरह वापस लाया गया। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने इसे अपने मोबाइल पर कैद कर लिया। हमने जब इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जब कटघोरा के थाना प्रभारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने वीडियो को सही बताते हुए कहा कि वह दोनों उनके थाने के स्टाफ हैं। दोनों को समन्स तामिलो करने भेजा गया था जहां उन्होंने शराब पी लिया। कार्रवाई के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ने अब तक थाने में आमद नहीं है। लिहाजा दोनों की गैर हाजिरी डाल दिया गया है। आगे विभागीय कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए i924 के साथ। i924 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.i924news.in। नमस्कार। आप सब लोगों के लिए लेट्स सिंग सम लाइंस, मेरा गाना अफगान जले भी, कुछ लाइंस आपके लिए गाता हूँ। अफगान जले भी माशूक फरे भी घायल है तेरा दीवाना भाई वा भाई वा। ओके, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल INN24।